वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले बायोलॉजी स्टैंडर्ड 11 का आज हम बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले। यहाँ पे इस लेसन में हम इसका फर्स्ट लेसन देखेंगे। यहाँ फर्स्ट लेसन हमारा लिविंग वर्ल्ड है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जिसके सारे लेसन है उसको हम कवर अप करेंगे। यहाँ पर हम लेसन फर्स्ट के लिए 1 और 2 पार्ट बनाएंगे, ओके। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, और जो इसका वीडियो सेकेंड आएगा सेकेंड पार्ट, उसमें जो चैप्टर है हम फिनिश करेंगे। यहाँ पे हम इसको डीपली समझेंगे, बिकॉज इसका जो कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में नहीं आता, जो आगे के लेसन है उसको पढ़ने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती है, ओके। तो हमारा जो लिविंग वर्ल्ड लेसन है, यहाँ पे हमें पहले कैन यू रिकॉल दिया गया, बट हम पहले बेस देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, ऐसे यहाँ पे सेकेंड में हर्बेरियम है, ये सब जो मेन मेन वर्ड है यहाँ पे, सारे जो हमें नीचे दिए गए उन सब का पहले मतलब देखेंगे, ओके, जिससे हमें इजी होगा समझने में। यहाँ पे मैंने सारे के सारे मेन पॉइंट्स लिख रखे जो कि इस लेसन में हम पढ़ने वाले। पहले तो मैं आपको इस लेसन का नाम बता देता हूँ और इसका मतलब क्या है। हमारा लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पे लिविंग, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो जीव जगत। लिविंग क्या, जिसमें जान, किसी भी प्राणी, कोई भी ऑर्गेनिज्म में क्या हो, जानो, ओके। वर्ल्ड हमारा ये दुनिया का सिंपल सब मीनिंग है। और यहाँ पे इसके जो बेसिक पॉइंट है, पहला समझते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। हाँ, हम इस लेसन में देखेंगे क्या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ मतलब क्या, किसके कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि उसमें लाइफ है कि नहीं है, ओके। और सेकेंड है हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल इसका मीनिंग बताऊँ कि किसी भी ड्राइड प्लांट या उसके लीव्स को प्रिजर्व करके रखना, ओके, तो उसके लिए बहुत सारे संस्थाएं हैं। यहाँ पे सेकंड क्या हमारा बोटानिकल गार्डन, इसे हम बॉटनी भी कहते हैं, जहाँ पे स्टडी होती है प्लांट्स की। यहाँ पे जो हमें और भी नीचे, जैसे कि यहाँ पे हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पे मैं आपको जू का मतलब तो आपको पता ही होगा, ओके। तो जूलॉजी क्या होता है, जूलॉजी मतलब जहाँ पे एनिमल्स होते हैं, जैसे जू के ही तरह एक टाइप का होता है, और उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, जैसे बहुत सारी स्पीशीज़ जो ख़त्म होने के कगार पे आ जाती हैं। और यहाँ ऊपर है म्यूज़ियम, म्यूज़ियम मतलब तो हमें पता ही है, म्यूज़ियम का क्या, जहाँ पे बहुत सारी ओल्ड चीज़ें हो जिसके ऊपर क्या स्टडी होती रहती है। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क, समझिए बायोडाइवर्सिटी पार्क मतलब क्या, बहुत सारे टाइप के स्पीशीज होते हैं प्लांट के जो ख़त्म होने के कगार पे आते हैं, ओके। और भी बहुत सारी टाइप की स्पीशीज होती है जिनको क्या होता है, सेव किया जाता है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क। और इसकी भी बहुत संस्थाएं होती है कि देखिए यहाँ पे आपको जो 1.2 से 1.7 तक ये सब जो भी है, किस में आते हैं, टैक्सोनॉमिकल ऐड, हाँ ये किस में आते हैं, टैक्सोनॉमिकल ऐड में आते हैं। ये सब क्या है, इनके पार्ट्स है, जैसे हर्बेरियम हो गया, बोटानिकल गार्डन हो गया, ये सब जो आपको मैं बता रहा था। और भी इसके जैसे मैं मैनुअल नहीं दिया, फ्लोरा नहीं दिया, यहाँ पे हमें की दिया गया है, जूलॉजिकल पार्क है, म्यूजियम है, मोनोग्राफ्स है, ये सब क्या है, टैक्सोनॉमिकल एड्स है। देखिए यहाँ पे अगर मैं टैक्सोनो का मतलब बताऊँगे, टैक्सो मतलब क्या होता है, रूल होता है, नॉमिकल मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, इसके कुछ रूल एंड प्रिंसिपल होते जिस पे ये सब सारे जो इसके पार्ट्स है वो क्या होते हैं, काम करते हैं, ओके। तो यहाँ पे कोई ना कोई को सेव किया जाता है, जैसे कि हर्बेरियम में मैंने बताया ड्राइड प्लांट को रखा जाता है, बोटानिकल गार्डन हो गया, मैनुअल हो गया, फ्लोरा में क्या, फ्लोरा आपने फ्लोरा फोना सुना है, फोना में क्या होता है, एनिमल को प्रिजर्व करता है, वैसे ही फ्लोरा में क्या, प्लांट्स फ्लावर्स को सेव किया जाता है, ओके। यहाँ पे हम क्या इसकी बात कर रहे थे, की बात कर रहे थे, प्लांट एनिमल के जो कैरेक्टर्स रहते हैं इसमें क्या होता है, उसका स्टडी किया जाता है, उनके जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं यहाँ इस की में उनकी स्टडी होती है। और भी इसमें कुछ जो हम लेसन में देखेंगे, ओके। तो चलिए हमारा लेसन जो स्टार्ट करते हैं। यहाँ द लिविंग वर्ल्ड में मैं पहला दिया है कैन यू रिकॉल, यहाँ पे क्या हमें पढ़ना है कुछ, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। देखिए यहाँ पे हमें इन दोनों में कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स क्या देखेंगे,
क्योंकि यह डिसिमिलरिटी और नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में ऐसे हम क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे इनमें। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कुछ पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ग्रोथ हो गया, ग्रोथ क्या ह्यूमन बींग में एक लिमिटेड एज की तरह होता है, बट क्या होता है, ग्रोथ होता है ना। और क्या, जैसे कि बड़े बड़े पहाड़, माउंटेन हो गए, माउंटेन एवरेस्ट हो गया, इनमें भी ग्रोथ होता है, बट कैसे, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स की वजह से। इनके ऊपर एक लेयर बिछ जाती है, जैसे कि मिट्टी का इरोजन हुआ कहीं से और दूसरे भी जगह पे जाके बैठ गया। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो नॉन लिविंग थिंग है उसमें भी उनकी हाइट तो इंक्रीज हो रही है ना, तो दोनों का तो हाइट बढ़ा। तो यहाँ पे क्या हम इस पॉइंट को प्रॉपर मान सकते हैं कि जो दोनों में ग्रोथ है वो नहीं हो रही है, तो इससे हम कैसे, कौन से कैरेक्टर से क्या करेंगे, पहचानेंगे कि क्या उसमें ग्रोथ है। ओके, अगर है तो किस टाइप का ग्रोथ है, नॉन लिविंग थिंग का कि लिविंग थिंग का, जिससे हम क्या कर सके, पहचान सके लिविंग थिंग कौन सा है, नॉन लिविंग कौन सा है। बट यहाँ पे ग्रोथ एक प्रॉपर पॉइंट नहीं है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द विच इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। और यहाँ पे मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ, एक प्रॉपर एग्जाम्पल जिसे हम नीचे समझेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो। देखिए मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इसे हम नीचे समझेंगे, इसके दो भी टाइप होते हैं। ओके, तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं ये ओनली है क्या, लिविंग बींग के प्रोसेस लिविंग बींग में ही होते हैं, बट क्या होता है, नॉन लिविंग बींग में नहीं होते, उनके बॉडी में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, जिससे क्या कर सकते, हम डिस्टिंग्विश कर सकते कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग थिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको मैंने दो पॉइंट बताए, आपको दोनों याद रखने। देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ कि आप प्रॉपरली इन्हें लर्न कर सकें। ओके, एट द एंड आपको सब कुछ लर्न ही करना रहता है। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, एनालाइज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या उनकी पहचान, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे पूछे जा रहे हैं। तो क्या हो सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने एक बताया मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है कि नहीं, लिविंग कोई भी है उसमें क्या ग्रोथ होगी, पहले वो पैदा होगा, न्यू बॉर्न रहेगा तो उसमें बॉडी में डेवलपमेंट होंगी। ओके, एट द सर्टेन एज। क्या एजिनिन, देखिए एजिंग इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, एजिंग मतलब होता है कि एक सर्टेन एज के बाद जो हमारा बॉडी और उसके अंदर के ऑर्गन रहते क्या होते हैं, बूढ़े होने लगते हैं। ये सब देखिए नीचे है पॉइंट्स, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आपको ये ऊपर क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं कि आप उस चीज़ के नीचे बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्या, मैं आपको थोड़े थोड़े रिवाइज कराते जा रहा हूँ जिससे आपको याद होते जाएगा और जो मैं नीचे समझाऊँगा आपको तुरंत समझ जाएगा। ओके, तो एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग में यहाँ पे हमने दो देखा, क्या मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना। ओके, और एजिंग, तीन यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और डेथ, रिस्पॉन्स टू द चेंज इन एनवायरमेंट सराउंडिंग। ओके, बोल सकते हैं एनवायरमेंट सराउंडिंग। देखिए अगर आप तो ठंडी है, गर्मी है, कौन सा भी क्लाइमेट है, अगर आपको ठंडी लग रही है क्या आप करोगे, रिएक्ट करोगे ना, उसको क्या बोलेंगे, आपका एक कैरेक्टर हुआ हो। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ इसी टाइप के कैरेक्टर्स के बारे में लिखने हैं। देखिए मेटाबॉलिज्म एक प्रॉपर पॉइंट है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ आप ये याद कर लें, नीचे भी समझेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। ओके, एजिंग हो गया, डेथ हो गया, ग्रोथ इम्पोर्टेंट है लिविंग में भी। ओके, और यहाँ पे जो मैंने लास्ट में बताया रिस्पॉन्स टू द चेंज इन सराउंडिंग, ये भी याद करना है आपको। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंपल, तो यहाँ पे हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदर ऑल ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर जस्टिफाई योर आंसर। क्या सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर रहते हैं, क्या आपको, अगर मैंने आपके सामने वो सारे ऑर्गेनिज्म है सामने खड़ा कर दिया, क्या बोलोगे, भैया ये सब सारे सिमिलर है, नहीं। ओके, दे ऑल आर नॉट सिमिलर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें, बट दे आर नो। ओके, दे ऑल ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सिमिलर, ओके, उनके रहने के तरीके, उनकी हैबिट, उनकी आदतें, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका फूडिंग का सिस्टम, वो सब अलग अलग रहते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जैसे कि प्लांट हो गया, प्लांट क्या रहते हैं, ऑटोट्रॉप के, ऑटोट्रॉप कौन सा रहता है, वो ऑटोट्रॉप रहता है, विच मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर। ओके,
और एनिमल, एनिमल में क्या हम भी आते हैं, एनिमल में कौन से एनिमल है, सोशल एनिमल। देखिए अगर आपको मैं प्लांट और एनिमल साथ में रख दिया, ओके ये दोनों को मैं साथ में रख दिया, तो क्या उसमें आप सिमिलैरिटी बता पाओगे अच्छे से? अच्छा उसमें सब कुछ जैसे सिमिलर है आप बता पाओगे? इसलिए क्या जस्टिफाई और आंसर में हम क्या लिखेंगे, ये सब पॉइंट्स लिखेंगे। और एंड द थर्ड लास्ट इज माइक्रोब्स, दे नोन एज डीकम्पोजर्स। ओके क्या माइक्रोब्स क्या करते हैं, डीकम्पोज, किसी भी चीज़ ख़राब हो गई है तो उसके ऊपर वो लग जाती है और उसको क्या करते हैं, स्लो स्लो फिनिश कर देते हैं। ओके बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर पाते। ओके लेट मी सी, चलिए फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते। प्लांट प्लैनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ अबायोटिक एंड बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। एज वी हैव स्टडी इन द लास्ट क्लासेस अबायोटिक मीन एंड बायोटिक, ये दोनों का क्या मतलब होता है। देखिए अबायोटिक मतलब क्या, जिसमें जान ना हो, नॉन लिविंग थिंग हो, और बायोटिक मतलब क्या, जिसमें जान हो। ओके जैसे कि वी आर, हम क्या है अभी जिंदा, सिंपल। तो वी आर नोन एज बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। यहाँ पे आगे दिया गया है बायोटिक, द बायोटिक कॉम्पोनेंट्स आर ऑब्जर्व इन द लिविंग बींग। देखिए नीचे भी दिया गया है जो बायोटिक कॉम्पोनेंट है वो लिविंग बींग है अराउंड अस। द क्वेश्चन इज वाई डू वी कॉल देम लिविंग एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम द लिविंग बींग। देखिए अभी हमने ऊपर ही जाना था कि क्या क्या डिफरेंसेस होती है, तो आप उसे आप बता सकते हो क्या क्या उसमें डिफरेंसेस रहेंगे जो हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लिविंग एंड एज नॉन लिविंग बींग। इसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट में क्या दिया गया है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ओके तो यहाँ पे हम बेसिकली जानेंगे जो मैंने आपको ऊपर ही बताया था। यहाँ पे समझिए क्या दिया गया है इसमें, द लिविंग बींग वंस प्रोड्यूस बॉर्न हैज़ टू सर्वाइव। यहाँ पे इसका सिंपल मीनिंग क्या, अगर एक बार कोई लिविंग बींग पैदा होता है तो क्या होता है, उसको जीना पड़ता है। ओके टू सर्वाइव, फॉर सर्वाइवल जीने के लिए इट नीड एनर्जी, क्या उसको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एंड मेनी केमिकल मॉलिक्यूल्स, समझेंगे केमिकल मॉलिक्यूल्स क्या है। मैं आपको अभी बताऊँ तो जो हम खाना खाते उसका क्या होता है, डाइजेशन होता है, वो एज ए क्या काम करते हैं, हमारा केमिकल मॉलिक्यूल्स में काम करते। फॉर एनर्जी इट हैज़ टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। देखिए मैंने आपको ऊपर बताया था मेटाबॉलिज्म के बारे में, जिसके मैंने आपको दो पार्ट बताए थे। तो क्या करना पड़ता है उसको, एनर्जी के लिए क्या होता है, उसको एक काम करना पड़ता है, उसके बॉडी में जो काम होता है क्या होता है, परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, समझिए यहाँ पे क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म इज अ ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें क्या होता है जब मेटाबॉलिक में कोई भी मॉलिक्यूल जब क्या होता है ब्रेक होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और इसी मेटाबॉलिज्म में जब मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल, जब ब्रेक होने के बाद उसी को जॉइंट होकर कोई नया मॉलिक्यूल बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। ओके तो यहाँ पे आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कैटा एंड एनाबॉलिज्म में। ओके तो क्या होता है मेटाबॉलिज्म में, क्या क्या होते हैं, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, एनाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कैटाबॉलिज्म में ब्रेकिंग ऑफ, पहले क्या था कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ये टूटता है। ओके तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, टूटता है, ब्रेक होता है, उसका ब्रेकिंग होता है। एंड देन क्या होता है एनाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, उसी का टूटा हुआ का एक न्यू मॉलिक्यूल बनता है, नया मॉलिक्यूल बनता है जो कि क्या करता है बॉडी को हेल्प करता है। ओके किसके लिए, एनर्जी के लिए, सिंपल। मेटाबॉलिज्म में आपको बस इसी एना और कैटाबॉलिज्म को याद रखना है। ओके और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड, बर्थ से क्या, ऑर्गेनिज्म शो टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या क्या टेंडेंसी दिखाता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें क्या होती है ग्रोथ होता है और उसका क्या होता है डेवलपमेंट होता है। दिस ग्रोथ इज अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस, जो ग्रोथ होता है ना उनमें वो क्या होता है बहुत ही अच्छे से होता है। ओके एक न्यू बॉर्न में देखिए, यू माइट हैव ऑब्जर्व सेंट मॉन्ट्स बॉर्डर ग्रोथ। यहाँ पे इन एग्जांपल के थ्रू वो बता रहे हैं कि नॉन लिविंग में भी क्या होता है, जो ग्रोथ होता है वो हैपन होता है, वो क्या होता है होता है,
ओके, तो इनमें कैसा ग्रोइंग होता है? जैसे आपको मैं बताता था, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देअर सरफेस, उनके सरफेस पे क्या होता है, एक मटेरियल आके जमा हो जाता है, दब जाता है, जिंदगी क्या उनका जो ग्रोथ, उनका हाइट है वो बढ़ जाता है। ओके, दिस ग्रोथ इज नॉट फ्रॉम विद इन, एंड क्या है, जो ग्रोथ रहता है वो अंदर से नहीं रहता उनमें, हैंस दिस आर नॉट लिविंग बींग, इसीलिए क्या बोला जाता है उनको, नॉन लिविंग बींग। ये जो ग्रोथ रहता है ना, इनमें क्या होता है, वो अंदर से नहीं, जैसे कि हमारे अंदर क्या होता है, ह्यूमन बींग के अंदर जो ग्रोथ होता है वो अंदर से होता है, अंदर डेवलपमेंट होता है, पहले एनर्जी मॉलिक्यूल्स दुनिया भर का ये सब होता है, ओके प्रोसेस, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो बॉडी होता है और जो डेवलपमेंट में आगे बढ़ता है। बट यहाँ पे क्या होता है, इन नॉन लिविंग थिंग में जो दूसरे मटेरियल रहते हैं एक्यूमुलेट होते हैं उनके ऊपर, जिनसे क्या उनका हाइट बढ़ता है, उनमें क्या होता है जो लॉन्ग हाइट हमें देखने को मिलता है, बट इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग बींग बोलेंगे, ओके, जबकि उनमें भी ग्रोथ होता है। ओके, चलिए नीचे थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं क्या दिया गया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट प्रोसेसेस विच हैव अनलिमिटेड टाइम स्पैन। ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होती है किसी भी चीज़ की, वो क्या अनलिमिटेड टाइम स्पैन के लिए नहीं रहती, मतलब क्या यहाँ पे, ये हमेशा के लिए नहीं रहते एक बॉडी के लिए, एट अ सर्टन पॉइंट, एक सर्टन पॉइंट के बाद ऑफ अ टाइम, कुछ समय के बाद जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मॉलिक्यूल ऑर्गन सिस्टम बिकम टू लूज देयर एफिशिएंसी, मतलब क्या जो अपना पावर रहते हैं वो खोना चालू कर देते हैं, और देयर वर्किंग एंड बिकम ओल्ड, क्या हो जाते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं। एज वी नो When we born, at that time हमारा जो बॉडी रहता है वो परफेक्टली काम करता है, बट एट अ सर्टेन, इसके बाद क्या होता है, ये लूज होने लगता है, सारे ऑर्गन जो रहते हैं स्लो स्लो स्लो, एंड नाउ डी वन लाइफ हैज़ टू कंटिन्यू, हैंस द ऑर्गेनिज्म ट्राई टू प्रोड्यूस अ यंग वन लाइक इट्सेल्फ। यहाँ पे बोलते हैं लाइफ हैज़ टू कंटिन्यू, मतलब जिंदगी ऐसे ही चलती रहे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने आप का डुप्लीकेट, मतलब क्या रिप्रोडक्शन करके अपने आप पर सेम बनाता है, ओके डुप्लीकेट, जिससे क्या हो उसका जो जनरेशन है वो चलता रहे। यहाँ पे कहा गया है इफ़ इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द रिप्रोडक्शन, किसकी वजह से हो पाता है, रिप्रोडक्शन के हो जाता है, रिप्रोडक्शन के क्या दो टाइप है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। ओके, दिस इंश्योर कंटिन्यूस ऑफ रेस, क्या दिलाता है एहसास की जो रेस है ऑर्गेनिजम्स का आगे लिविंग के लिए क्या कंटिन्यूस रहेगा, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन एज असेक्सुअल और सेक्सुअल। ओके, यहाँ पे नहीं देखते हैं, मोल स्टराइल वर्कर बी डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये क्या करते हैं, मोल जो रहते हैं स्टराइल वर्कर बी, ये सब रिप्रोडक्शन नहीं करते, बट येट लिविंग, येट आर लिविंग, मतलब वो अभी भी जी रहे। तो यहाँ पे देखिए हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है नीचे, कैन वी कॉल रिप्रोडक्शन एज इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लाइफ, तो क्या हम जो लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंक्लूसिव कैरेक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म में बोल सकते हैं क्या, जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपने आप का डुप्लीकेट एज अ न्यू बॉर्न कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस सेक्सुअल या असेक्सुअल प्रोसेस से। ओके, तो यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन पूछा गया, क्या रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो इसका जवाब मैं बता दूँ क्या होगा, इसका जवाब नो होगा, बिकॉज क्या है, यहाँ पे देखिए मोल्स स्टराइल वर्कर बी क्या, दे डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय एनी मेथड, बट दे आर लिविंग ना, ना वो अभी भी जी रहे हैं ना, तो इसका आंसर की वजह से नो होता है। ओके, तो लाइफ में, लाइफ के लिए, लिविंग के लिए क्या है, एक रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसे देखिए एज अ लिविंग बींग व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन पॉइंट आता है, बट अगर इस पॉइंट में हम बात की जाए, यहाँ पे अगर इनसे तुलना की जाए इन दोनों की, मोल स्टराइल वर्कर बी और क्या अदर ऑर्गेनिज्म से, तो नहीं हो पाता है। ओके, रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेन पॉइंट जो है वो बन नहीं पाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, एज द बॉडी लॉसेस इट कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिक द ऑर्गेनिज्म डाइस। देखिए काफ़ी सिंपल कहा गया है, एज द बॉडी लॉसेस इट कैपेसिटी, मतलब क्या
यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है, जब बॉडी क्या करता है अपना एनर्जी लॉस होने लगता है ओके एट अ सर्टेन एज के बारे में बाद में, या फिर उसे एनर्जी नहीं मिल रही है ओके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होता है नहीं हो पाता प्रॉपर, तो क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है डाई हो जाता है ओके सिंपल। यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको बस इतना याद रखना है कि जब बॉडी क्या करता है कैपेसिटी नहीं रख पाता मेटाबॉलिक प्रोसेस करने का बॉडी में एनर्जी बनाने का, तो क्या होता है ऑर्गेनिज्म क्या होता है वो डाया हो जाता है ओके चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, एनी लिविंग बींग रिस्पॉन्स टू थर्मल केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस। यहाँ पे क्या है थर्मल केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस, अगर कोई भी लिविंग बींग क्या करता है रिस्पॉन्स करता है, मतलब रिस्पॉन्स कैसे करेगा अगर उसको सेंस कर पाएगा अपने सेंसरी ऑर्गेन के थ्रू, तो क्या होता है थर्मल मतलब क्या किसी भी जैसे कि हम टेम्परेचर मान लेते हैं काफ़ी गर्म है तो क्या उसको सेंस होगा उसको गर्मी होगा, केमिकल और क्या है बायोलॉजिकल उसके आसपास कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या उसको देख पाए सेंस कर पाए ओके। ये सब चेंजेस है इन द सराउंडिंग जो कि सराउंडिंग में होते हैं, क्या वो ऑर्गेनिज्म सेंस करता है, तो क्या बोला गया यहाँ पे दिस इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बींग, क्या एक अलग ही प्रॉपर्टी है लिविंग बींग का, एक किसके थ्रू हो पाता है सेंसरी ऑर्गेन के, इसमें क्या क्या रहता है थर्मल केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस को सेंस कर पाते ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर इज इमेंस डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या कहा गया बहुत ज़्यादा क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट वैरायटी यहाँ पे हजारों करोड़ों धरती पे क्या है प्रजाति है ओके जैसे कि हम जानते हैं सिंस टाइम इमेमोरियल पुराने ज़माने से ही वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग टुगेदर ऑन द अर्थ, मतलब पहले के टाइम से क्या वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या साथ में रह रहे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स क्या धरती पे साथ में रह रहे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशन इंटर रिलेशनशिप, मतलब उनके बीच का क्या वो क्यों रह रहे साथ में बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या दोनों साथ में रह रहे एज वेल एज बिटवीन टू लिविंग बींग और ग्रुप, और दो लिविंग बींग साथ में रह रहे हैं और ग्रुप मतलब उन सब साथ में मिलेंगे तो क्या होगा ज़्यादा लोग ग्रुप हो जाएगा, इसी चीज़ का क्या करना है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ दिस इज एसेंशियल, क्या बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे अगर मैं पूरे पैराग्राफ में जो है साफ साफ बोलूँ तो क्या है पुराने ज़माने से क्या बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव कर रही है पृथ्वी पे ओके। और यहाँ पे सेकंड क्या है उनके बीच का क्या इंटर रिलेशनशिप किसका किसका लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, बट दे ऑल्सो वो क्या और भी जानने की कोशिश कर रहे दो लिविंग बींग साथ में रह रहे ग्रुप में रह रहे ओके, तो उसी चीज़ का वो क्या करना चाहते हैं साइंटिस्ट साइंटिफिक स्टडी सिस्टमेटिक उसी चीज़ का स्टडी करके उसको समझना चाहते हैं, और ये क्या बहुत ही ज़रूरी है। दिस डाटा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, देखिए यहाँ पे क्या कह इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है एंड एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ज़रूरी है ओके। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई दिस ऑर्गेनिज्म फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर मीनिंगफुल यूज़ ऑफ कलेक्टेड डाटा। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट क्या बहुत बड़ी लैबोरेटरी जहाँ पे क्या हो लोग आइडेंटिफाई करके हर एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करके एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में रखे और क्या उनको स्ट्रॉन्गली उनके डीप में जाके उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करे स्टडी करे जिससे उनके बारे में वो जान सके ओके। तो ये डाटा क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब क्या करते हैं वो लोग कलेक्ट करते सीरीज बाय सीरीज और उसको क्या करते हैं वो लोग सिस्टमेटिक वे में पुट करते जाते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है इफ़ वी नीड टू स्टडी दिस डाइवर्सिटी ओके क्या है इसने अगर हमें इसकी ज़रूरत तो सर्टेन एड्स कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स, देखिए अगर आपको ये पढ़ना है तो इसके लिए ये लोग क्या बोलते हैं तो
यही सब पढ़ने के लिए ये लोग क्या बनाए हैं, टैक्सोनॉमिकल। देखिए मैंने आपको टैक्सोनॉमिकल एड्स पहले ही बता दिया था, टैक्सो मतलब रूल होता है एंड नॉमिकल मतलब प्रिंसिपल होता है, कुछ रूल प्रिंसिपल इन सब का हमको बताया जाएगा और क्या सीरीज वाइज सीरीज सिस्टमेटिक वे से हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो कैन भी यूज़ क्या कर सकते हैं, स्टडी के लिए यूज़ कर सकते। दिस इंक्लूड्स हर्बेरिया, देखिए जो मैंने आपको टाइप बताया था टेक्सोनॉमिकल एड्स का क्या है और हमने जो भी पढ़ना भी है वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है। हर्बेरिया है, बोटानिकल गार्डन है, म्यूजियम्स है, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। ओके, और एक था यहाँ पे की, ओके की बज गया था, यहाँ पे की भी लिखते तो काफ़ी अच्छा रहता। नीचे आए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं। फर्स्ट, हाउ कैन वी स्टडी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट अ ग्लेंस। देखिए यहाँ पे कहा गया हम कैसे मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही बार में प्रॉपरली कैसे पढ़ सकते। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने जो ऊपर पढ़ा था ये टैक्सोनॉमिकल एड्स, इसमें क्या आता है, सब कुछ आता है। ओके, तो इसको अगर हम पढ़ते हैं तो क्या इसका जो सिस्टमेटिक वे है उससे हम क्या प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ सकते समझ सकते, जो कि एक बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, किस चीज़ के लिए, लार्ज ऑर्गेनिज्म एट ए ग्लेंस पढ़ने के लिए। ओके, इससे हम क्या लार्ज नंबर ऑर्गेनिज्म भी पढ़ लेंगे और काफ़ी सिस्टमेटिक वे से अंडरस्टैंड भी होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वेदर ऑल ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड, क्या जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में प्लांट एनिमल माइक्रोब्स क्या वो अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि हम ट्री को देख ले, उसको रिक्वायरमेंट रहती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड सनलाइट। ओके, तो अपना क्या करता है, प्रिपेयर इनको यूज़ करके खुद बना लेता है। बट क्या इसके बाद एक प्रोड्यूसर हो गया, इसके बाद और भी स्टेप है जो इसके ऊपर डिपेंड है। कोई कोई एनिमल जो प्योर वेजिटेरियन रहते एंड प्योर नॉन वेजिटेरियन। ओके, तो यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि वेदर ऑल ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो इसका आंसर क्या है, नो है। ओके, वी डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर आवर फूड। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच फीचर कैन बी कंसिडर्ड एज ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, वाई। ओके, देखिए हमें क्या कैरेक्टर भी बताना है और क्या बताना क्यों है वो भी बताना है। देखिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था, मेटाबॉलिक, विदाउट मेटाबॉलिक प्रोसेस के बिना कोई भी लिविंग बींग क्या कर सकता, अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता और लाइव नहीं रह सकता। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट इंक्लूसिव कैरेक्टर हो गया जो कि हर एक लिविंग बींग में होता ही होता है। ओके, और क्या, वाई का भी हमने जवाब दे दिया। और मैं यहाँ पे आपको सेकंड बताता हूँ, सेकंड क्या हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पे नीचे पढ़ा था जो लिविंग बींग है वो क्या करते, थर्मल केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस को रिस्पॉन्स करते। ओके, क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग है, ये हमने देखा था, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ओके, तो इसका हमने आंसर दे दिया। यहाँ पे नीचे में क्या दिया गया है, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचना। देखिए पहला क्या बोला गया, कैन मेटाबॉलिक रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेटेड इन अ टेस्ट ट्यूब, अगर क्या जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है रिएक्शन है ये रिएक्शन सॉरी क्या अगर ये हमारे बॉडी के बदले क्या एक टेस्ट ट्यूब में हो, कॉल इन विट्रो टेस्ट, इसको क्या बोला जाता है, इन विट्रो टेस्ट बोला जाता है। ओके, बी लिविंग, क्या वो लिविंग होगा, देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होते तो क्या वो लिविंग है। ओके, बट यहाँ पे हमें क्या पूछा गया, अगर वही प्रोसेस हम क्या करते इन विट्रो, अगर एक टेस्ट ट्यूब में साइंटिस्ट लैब में लेके जाके इसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को एक टेस्ट ट्यूब में कराते, ओके, तो वो क्या लिविंग रहेगा। यहाँ पे क्या बोला कि आपको थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचना है। तो इसका एक्चुअल में आंसर क्या रहेगा, देखिए मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर्स इन क्या इन विट्रो आर लिविंग रिएक्शन है, क्या एक लिविंग रिएक्शन है। ओके, एक लिविंग रिएक्शन, बट इसको हमें क्या बोलना पड़ेगा, नॉन लिविंग थिंग, बिकॉज ये क्या हो रहा है, आउट ऑफ द बॉडी हो रहा है। बट हाँ, ये जो रिएक्शन है ना ये क्या होगा, लिविंग होगा। यस, समझे, ये जो रिएक्शन होगा ये क्या होगा, लिविंग होगा, बट इसको क्या कहा जाएगा, नॉन लिविंग थिंग। यहाँ पे कहा गया है ना, बी
कॉल्ड लिविंग, तो इसे क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अ डेज पेशेंट्स आर डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड। यहाँ पे क्या है, जो हॉस्पिटल्स में क्या है, ब्रेन डेड कुछ पेशेंट रहते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोमा में गया है। ओके तो क्या होता है, एंड आर ऑन लाइफ सपोर्ट, क्या उन्हें जीते रहते हैं। ओके ऑन लाइफ सपोर्ट पे जीते रहते हैं। दे डू नॉट शो एनी साइन ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब क्या उनको कोई मारे पीटे या कोई रिएक्शन, जैसे कि क्या एक यूनिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया थर्मल केमिकल बायोलॉजी। ओके तो वो क्या यूनिक प्रॉपर्टी जो हम क्या आउटसाइड आवर सराउंडिंग को सेंस कर सकते, बट यहाँ पे क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। ओके तो यहाँ पे क्या पूछा गया, आर दे लिविंग और नॉट लिविंग, क्या वो लिविंग है या फिर नॉट लिविंग है, ये हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। थिंक अबाउट इट, आपको इसके बारे में सोचना है। ओके तो अगर मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, देखिए इसके लिए आपको कुछ क्या बेसिक पॉइंट समझने पड़ेंगे। ओके देखिए फर्स्ट न्यूट्रिशन, ओके जो कि हमारा क्या मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू होता था, बॉडी को क्या प्रोवाइड एनर्जी होती थी प्रोसेस होने के बाद। सेकंड क्या है रिस्पिरेशन, देखिए वो बंदा क्या है कोमा में गया है तो क्या होगा उसके बॉडी में, वो तो सांस लेता रहेगा ना फिर भी, मतलब ये क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम क्या पहचान सकते हैं वो लिविंग है, जो कि हमने पूछा गया था वहाँ क्वेश्चन में वो लिविंग है कि नॉन लिविंग विंग है। ओके तो हम क्या बोल सकते हैं उसमें वो लिविंग है, बट यहाँ पे और भी पॉइंट्स है, क्या मूवमेंट है क्या उसमें, नहीं है। एक्सक्रीशन है क्या, नहीं है। ग्रोथ है क्या उसमें, कोई नहीं है। रिप्रोडक्शन नहीं है, जो कि मेन उसमें क्या नहीं था सेंसिविटी, क्या वो किसी भी चीज़ को सेंस कर पाता था, नहीं। बट द मेन पॉइंट इज दिस रिस्पिरेशन, क्या वो सांस ले रहा है, हाँ ले रहा है, इसलिए क्या जिंदा है, अदरवाइज उसको मास्क के थ्रू सांस दिलाया जा रहा है जिसका क्या उसका हार्ट बीट चल रहा है। ओके जिससे वो जिंदा है, तो हम क्या उसे बोलेंगे लिविंग विंग बोलेंगे इसे। ओके एंड नेक्स्ट इज दिस हर्बेरियम, व्हाट इज हर्बेरियम, ड्राइड प्लांट का क्या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। ओके उसको क्या बोलते हैं हर्बेरियम बोलते हैं। ओके तो यहाँ पे नीचे दिया गया हमें द वर्ड हर्बेरियम प्लूरल हर्बेरिया वॉज कॉइन्ड बाय द पिटॉन दे टॉर्निफॉट। ओके इस पर्सन के थ्रू क्या नाम किया गया था प्लूरल हर्बेरिया, इसका क्या है प्लूरल हर्बेरिया, जिस यहाँ पे हमें क्या दिया गया हर्बेरियम है। ओके हर्बेरियम यहाँ पे मतलब हम समझे क्या है इसका प्लूरल मतलब एक क्या है सिंगल और क्या प्लूरल में बहुत सारा। ओके हर्बेरिया यहाँ पे दिया गया इन दिस बुक, कौन से बुक में उन्होंने लिखा था एलिमेंट से, देखिए आप इसे एलिमेंट मंथ पढ़ देना बिकॉज यहाँ तक जो स्पेलिंग है वो सेम है, आप इसे एलिमेंट्स ध्यान से। ओके द आर्ट ऑफ हर्बेरियम वॉज इनिटिएटेड बाय एन इटालियन इकोनॉमिस्ट लुका जीनी। देखिए जो लुका जीनी थे वो क्या थे एक इको सॉरी यहाँ पे टैक्सोनॉमिस्ट थे। टैक्सोनॉमिस्ट मतलब क्या मैंने आपको बताया था टैक्सोनॉमिस्ट रूल एंड प्रिंसिपल, ये क्या थे इन्होंने इसे बनाया था। एक कौन से साइंटिस्ट थे एक इटालियन साइंटिस्ट थे। ओके और ये जो हर्बेरियम है क्या इनके ही वजह से आया था। ओके जो कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट ड्राइड प्लांट होती है किनकी वजह से होता है ये लुका जीनी। इनका देखिए बॉर्न कब हुआ था 1490 टू डेथ 1556। हर्बेरिया आर इफेक्टिव टूल्स इन द टैक्सोनॉमी स्टडी। ओके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है हर्बेरिया किसमें टैक्सोनॉमी का जब हम स्टडी करते हैं सिस्टमेटिक वे में। अ हर्बेरियम इज असेंशियली अ ड्राइड प्लांट स्पेसिमिन, क्या है कौन सी टाइप के स्पेसी है एक ड्राइड प्लांट का। ओके दैट इज प्रेस्ड treated and mounted on a stand size sheet is order to preserve it. देखिए इसको क्या किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए प्रेशराइज, जैसे कि मानो आपने कोई पत्ता लिया ओके आपको उसको प्रिजर्व करके रखना है, आप क्या अपने अगर बुक में डालते हो तो एक किसका लॉ वहाँ पे जाता है लुका जीने का। ओके आप क्या कर रहे हो उसको प्रिजर्व कर रहे हो, जैसे कि एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फोटो दिया है
ये क्या है, एक ड्राइड प्लांट है, ओके। और इसको क्या करना है, प्रिजर्व करने के लिए ये जो प्रोसेस है उसे हर्बेरियम को यूज़ किया जाता है। नीचे देखते हैं पैराग्राफ, यहाँ पे क्या है, डेट प्लेस, तारीख और जगह का नाम, क्या प्लेस ऑफ कलेक्शन कहाँ से कलेक्ट किया गया, अलॉन्ग विद द डिटेल्स के साथ क्लासिफिकेशन एंड हाइलाइटिंग विथ इट, इकोलॉजिस्ट पेकुलरिटी कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट, उसके कैरेक्टर प्लांट्स के, ओके, आर रिकॉर्डेड ऑन द सेम सीट। यहाँ तक क्या इसका मतलब हुआ समझिए, जो उसे यहाँ से प्लांट है कहाँ से भी ले रहे, किस प्लेस से, उस जगह का नाम, कितने तारीख को ले रहे, डेट वहाँ का, ओके, उस दिन का, और क्या उसके बारे में, उस प्लांट के बारे में डिटेल, उसका क्लासिफिकेशन, वो सब क्या किया जाता है, हाईलाइट करके लिखा जाता है, ओके। और भी क्या दिया गया है, लोकल नेम भी उसका वहाँ पे लिखा रहता है, एंड नेम ऑफ द कलेक्टर में भी एडिट, क्या जो दिया रहता है उसका भी नाम यहाँ पे शीट में लिखा जाता है, ओके। और क्या क्या दिया गया है, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन एट अ लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द शीट एंड इट कॉल्ड लेबल। देखिए कहाँ है, लोअर राइट कॉर्नर में दिया गया है, जैसे कि ये इसे यहाँ पे चिपका दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट नीचे देखते हैं, हमने हर्बेरियम के बारे में देख लिया, ओके। यहाँ पे क्या दिया गया, बोटानिकल गार्डन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ होल्ड प्लांट वर गेट, ओके। यहाँ पे क्या दिया गया पढ़ते हैं हम, बोटानिकल गार्डन आर द प्लेस वर प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज कलेक्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। क्या कहा गया है, जो बोटानिकल गार्डन एक जगह है जहाँ पे क्या किया जाता है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट, अलग अलग वेराइटीज के प्लांट, ओके, सर्च किए जाते हैं और वहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं, ओके। यहाँ पे हमें नीचे मेल दिया गया है, और क्या, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द दुनिया के अलग अलग जगह से, ओके, एंड आर ग्रोन इन द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक, क्या साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक इन अ वीवो मैनर, ओके। यहाँ पे क्या, इनको एक साइंटिफिक वे में क्या ग्रो किया जाता है, देखिए आप इसे ऐसे समझिए, उसका हाइट, उसका टाइमिंग, क्या एक कॉपी में सब नोट डाउन किया जाता है, जिससे क्या होता है, एक साइंटिफिक वे में इसको देखा जाता है, ओके। और इसके सारे डिटेल्स है, कितने टाइम में कितने बड़े हुए, और भी बहुत सारे ट्रीज, उनमें क्या चेंजेस होते हैं, कितने टाइम में, कौन से मौसम में क्या चेंज है। अब मैं आपको कुछ और इमेजेस दिखाऊंगा, जिससे जो हमारा बोटानिकल गार्डन है आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, जैसे कि एक इमेज है, उसके ऊपर क्या, यहाँ पे इस पे नाम इसका लिखा हुआ है, ओके। और क्या है, जो कोई ट्री है या फ्लावर का पेड़ है वो इसके पीछे, ओके। और एक देखिए यहाँ पे, ये कहाँ पे, यहाँ पे वो भी लिखा है, साउथ अफ्रीका का है। ऐसे ही यहाँ पे ब्यूटीफुल बोटानिकल गार्डन में इमेज, जो फ्लावर्स प्लांटेशन किया जाता है एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक मैनर के ज़रिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया गया है नो द साइंटिस्ट के बारे में जानिए, ओके, नो द साइंटिस्ट। ये देखिए वही साइंटिस्ट है, प्रोफेसर लुका जीनी, जिनके जिन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था, बोटानिकल गार्डन को इस्टेब्लिश किया था। यहाँ पे देख पढ़ते हैं हम, समझेगा, इन 1543 फर्स्ट बोटानिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड वॉज इस्टेब्लिश, कब इस्टेब्लिश हुआ था ये, 1543 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय एन इटालियन प्रोफेसर, ये कौन थे, एक इटालियन प्रोफेसर थे, लुका जीनी, ओके। AD 1496 एट पीसा, कहाँ पे, पीसा में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, पीसा कहाँ पे, इटली में, ओके। बोटानिकल गार्डन एट यू इन इंग्लैंड इज नोन फॉर लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मोर देन 30,000 स्पेसिमेन। देखिए जो बोटानिकल गार्डन कहाँ पे, क्यों में, वो इंग्लैंड में, क्यों,
जो कि जाना जाता है क्या अपने सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कलेक्शन के, वो कितना 30,000 30,000 स्पेसिमेन डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्लांट वहाँ पे क्या किया गया है प्रिजर्व करके रखा गया है। एंड मोर देन 7 हर्बेरिया। हर्बेरिया देखें यहाँ पे क्या है, ये हर्बेरिया ओके, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और इसका नाम यहाँ पे इसका ऐसा दिया जाता है, ये हर्बेरिया कितना है 7 मिलियन। 7 मिलियन मतलब कितना, 70 लाख, 70 लाख हर्बेरिया वहाँ पे क्या किया गया, प्रिजर्व करके रखा गया है ओके। यहाँ पे इन साइंटिस्ट के बारे में हमें इतना ही दिया गया है। नीचे देखते क्या दिया गया हमें, इंटरनेट माय फ्रेंड, यहाँ पे क्या आपको इंटरनेट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। दिया गया हमें कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोफेसर अलमेदा, प्रोफेसर वी एन नायक, डॉक्टर ए वी सते, डॉक्टर पी जी पड़वनकर पड़वर्धन विथ रिफरेंस टू देयर टैक्सोनॉमिक वर्क। किसके रेफरेंस में, किसके बारे में उन्होंने क्या काम किया था, किसके रेफरेंस के लिए टैक्सोनॉमिक वर्क में क्या उनका बलिदान था, उसके ऊपर आपको क्या करना है नेट से अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। और बायो कंजर्वेशन में, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन बचाव में उनका क्या महत्वपूर्ण दान रहा, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में ये कहा गया है ओके, इंटरनेट से आपको इतना काम करना है। अब तो आप 11th स्टैंडर्ड में आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा ही होगा ओके, अगर नहीं होगा तो घर पे किसी ना किसी के मोबाइल से आप हेल्प से इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए ओके, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसलिए दिया गया है कि हमें इसके इम्पोर्टेंस जो वो पता चल सके ओके। बायोडाइवर्सिटी इज अ डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म इन एन इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी मतलब देखिए आपको पहले बायो डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बायो मतलब क्या होता है, लिविंग जान, किसी चीज़ में क्या हो जान हो, उसके पास क्या हो लाइफ हो, और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ओके। एंड इकोसिस्टम मतलब क्या, जहाँ पे हम रहते हमारा सराउंडिंग हमारा वातावरण कैसा है ओके, तो वहाँ पे क्या हम बोलेंगे सर इकोसिस्टम। देखिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए प्रॉपर इकोसिस्टम प्रॉपर सराउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है ओके, समझते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ डिग्री ऑफ वेरिएशन। देखिए बायोडाइवर्सिटी जो जहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है ओके, तो उससे क्या पता चलता है वहाँ का इकोसिस्टम का जो लाइफ है वो कैसे स्पैन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए इकोसिस्टम में क्या रेगिस्तान लेते हैं, तो वहाँ का लाइफ स्पैन कितना ख़राब होगा वो हम समझ सकते हैं ओके, ड्यू टू क्या क्लाइमेट वहाँ का टेम्परेचर के वजह से। बायोडाइवर्सिटी इज़ एसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। देखिए ह्यूमन बींग को क्या ज़रूरत है, अगर हम ज़्यादा प्लांट कट करते, ट्रीज को कट करते, फॉरेस्ट कट करते, तो इससे क्या बहुत बड़ा लॉस होगा, और जो स्टेबिलिटी है इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम में हमारे वो क्या प्रॉपर मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो इसलिए क्या जो बायोडाइवर्सिटी है वो ट्री के मामले में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है जैसे चैन होता है ओके, फूड चैन होता है, वहाँ पे क्या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है, वैसे क्या यहाँ पे इकोसिस्टम में भी स्टेबिलिटी रहने के लिए वो चैन ज़रूरी है। द एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिग्रेड एज अ मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। द एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेंसिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है, जो बायोडाइवर्सिटी उसमें वेरियस वैराइटीज़ है ओके, जहाँ पे हम 1,000 में लैक्स में भी हम जा सकते हैं। कैन बी रिगार्डेड एज अ मेजर ऑफ हेल्थ, देखिए ये सब क्या एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं ओके, तो यहाँ पे क्या इनका जो हेल्थ है वो किसके वजह से रह पाएगा सही, इकोसिस्टम के वजह से
जो कितने भी बायोडाइवर्सिटी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनका क्या होगा, जो मेजर्स ऑफ हेल्थ ऑफ एन इको सिस्टम होगा। ओके, अगर ये सब जो क्या ऑर्गेनिज्म बायोडाइवर्सिटी में आते हो क्या सब प्रॉपरली अपने चेन में रहेंगे तो क्या इससे जो हमारा इकोसिस्टम का भी हेल्थ प्रॉपर रहेगा। ओके, बोथ आर कोरिलेट विच ईच अदर। ओके, यू हैव टू डोंट कंफ्यूज, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए क्या, अगर ऑल ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग और प्लांट में क्या प्रॉपर इंटर रिलेशनशिप है, दोनों में से कोई एक दूसरे को हार्म नहीं कर रहा, तो इससे क्या होगा जो इकोसिस्टम है वो क्या उसका हेल्थ गुड रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है। नेक्स्ट क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड ओवर एक्सप्लोजन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए जैसे ये पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है बहुत ज़्यादा, एंड ओवर एक्सप्लोजन ऑफ रिसोर्सेज क्या बहुत सारे रिसोर्सेज का हम जैसे यूज़ करते व्हीकल हो गया। ओके, तो इससे क्या बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होते हैज़ रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है, इससे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म होता है और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी होता है इसी चीज़ की वजह से। ओके, ड्यू टू द एक्सप्लोजन ओवर एक्सप्लोजन ऑफ रिसोर्सेज एट एन अलार्मिंग रेट। क्या हमें दिखा रहा है अलार्मिंग रेट क्या है, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो खतरे में है। ओके, कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स अटेम्प्टिंग टू शो डाउन स्टॉप और इवन इन रिवर्स द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए कंजर्वेशन मतलब बचाव ही एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हम आगे बढ़ सकते हैं इन सबको बचाने के लिए, सारे ऑर्गेनिज्म को जो बायोडाइवर्सिटी में हमारे इकोसिस्टम में है उनको बचाने के लिए। ओके, तो इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ओके, अटेम्प्टिंग टू शो डाउन स्टॉप और जो यहाँ पे हम कटिंग ऑफ ट्रीज एंड मेनी ऑर्गेनिज्म को तो हार्म होता है। ओके, ड्यू टू एक्सप्लोजन ऑफ रिसोर्सेज के वजह से इसे क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए और इवन इनवर्स और हमें क्या करना चाहिए ना, बचाने की कोशिश करना चाहिए। ओके, द लॉस इन द नेचर हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, आई थिंक सो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा, बिकॉज आपका यहाँ पे अगर कंसंट्रेट है तो आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहा गया है यहाँ पे लाइन, नेक्स्ट लाइन में देखिए, दिस इज नोन एज द इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बचाना, ओके, उनको कंजर्व करके रखना, इसको क्या कहा गया है यहाँ पे, इन सीटू कंजर्वेशन। इसी के ऊपर हम बात भी कर रहे हैं, क्या हमारा जूलॉजी या बोटानिकल गार्डन है कि इनके ऊपर स्टडीज है। ओके, इनको कैसे प्रिवेंट करके रखना है, इनको लॉन्ग टाइम तक कैसे रखना है, ये सब हमें क्या स्टडी के थ्रू मालूम पड़ेगा। ओके, जैसे कहा क्या गया है यहाँ पे, इन सीटू कंजर्वेशन विच मेक फॉर नेचुरल हैबिटेट का क्या ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए। ओके, फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है, व्हाई डज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैटर्स। क्या अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है क्या हमें मैटर पड़ता, हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा कुछ। देखिए क्या कहा गया आगे, फॉर मेनी पीपल इट हैज सिंपल मोरल। क्या ये लोग को कुछ मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, और इथिकल इशू, और कुछ लोग को क्या लगता है ये बहुत ही बड़ा इशू है। ओके, जो इनके बारे में नहीं जानते उनको क्या है एक सिंपली मोरल लगता है, एंड क्या इथिकल इशू जो इनके बारे में प्रॉपरली इन सब के जानकार है। ओके, नेक्स्ट यहाँ दिया गया, वी शेयर आवर प्लैनेट विथ ह्यूज रेंज। ह्यूज रेंज मतलब क्या, बहुत ज़्यादा फैला हुआ। ओके, ह्यूज रेंज बहुत ज़्यादा जगह में फैला हुआ हमारा जो प्लैनेट है। ओके, ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म क्या, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या, अदर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड वी हैव नो राइट टू हार्म देम। क्या हमारे पास राइट है क्या हमें उनको कोई तकलीफ पहुँचा सके, नहीं है। ओके, नेचर हमें ऐसा कोई इजाज़त नहीं देता जिससे हम क्या करें उनको हार्म करने को तकलीफ दे, बट क्या कर सकते हैं हम उनको कंजर्व करके रख सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। ओके, जो उनकी स्पीसी जो है वो ख़त्म हो रही है उन्हें हम बचा सकते हैं। ओके,
यहाँ पे देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी हेल्प टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन इको सिस्टम। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी अगर प्रॉपर रहेगा किसमें हेल्प करता है, मेंटेन ऑफ स्टेबिलिटी इन द, इससे क्या रहता है जो इको सिस्टम वो प्रॉपरली चलता है, उसमें क्या होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। ओके, लॉस ऑफ वन वेराइटी, देखिए समझिए से ध्यान से, लास्ट लाइन है जो, लॉस ऑफ वन वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन इफेक्ट द एंटायर इको सिस्टम। कोई भी वेराइटी क्या हो गया, एक्सटेंट हो गया, लॉस हो गया, तो क्या जो पूरा इको सिस्टम का चैन है ना उसे पूरा इफेक्ट करेगा। ओके, ये अगर कोई ज़्यादा मतलब जिससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो, अगर उस वैरायटी का समझो उस वन वैरायटी का क्या हो, एक्सटेंशन हो जाए उसका, लॉ मोर यूज़ के वजह से, ज़्यादा इस्तेमाल के वजह से उसका एक्सटेंशन हो जाए, तो क्या होगा जो अदर है उन पे डिपेंड है उनका क्या होगा, डेथ भी हो सकता है, और जो पूरा इको सिस्टम है और जो पूरा चैन है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा म्यूज़ियम है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो यहाँ तक अभी हमने जितना भी पढ़ा, ओके, तो इसके हम एक बार क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं हमारा जो पहला लेसन है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, कैन यू रिकॉल, में पहला हमने क्वेश्चन देखा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में। ओके, इसको हमने क्या डिफरेंस किया था, उसके बाद हमने एनालाइज द कैरेक्टर्स देखा था, क्या क्या कैरेक्टर्स होते लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ओके, डिसिमिलरिटीज, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हमने काफ़ी कुछ जाना था इसके बारे में। ओके, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या था, वेदर ऑल ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर, जस्टिफाई और आंसर, जिसमें हमने जस्टिफिकेशन भी दिया था कि सारे ऑर्गेनिज्म क्या सिमिलर नहीं होते। ओके, सो उसका जस्टिफिकेशन हमने दिया था। और यहाँ पे क्या दिया था हमने, प्लैनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक, क्या जिंदे मतलब नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग से भरा हुआ है। ओके, हमारा जो सराउंडिंग है एंड क्या, इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। देखिए यहाँ पे आपको इतना ही याद रखना है, पहला वर्ड क्या, मेटाबॉलिज्म। ओके, मेटाबॉलिज्म, और यहाँ पे ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। ओके, क्या मेटाबॉलिज्म क्यों, बिकॉज इसके वजह से एनर्जी जो हमें बॉडी को मिलती है और जो हमारा बॉडी है क्या सर्वाइव कर पाता है। ओके, फॉर द सर्वाइवल इट नीड एनर्जी, जो कि किस प्रोसेस की वजह से होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, देखिए समझिए यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया था, दो, पहला कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल्स होता है। ओके, जिसमें मॉलिक्यूल टूटते, और क्या एनाबॉलिज्म में न्यू मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। बस यहाँ पे आपको इतना ही याद रखना है। और यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था कि क्या जो बर्ड से भी जो ऑर्गेनिज्म होते उनमें क्या दिखा था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ओके, और जो कि प्रॉपरली होता है, और क्या होता है यहाँ पे हमने पढ़ा था सैंड मॉस, इस पे भी क्या होता है, ग्रोथ होता है, बट क्या होता है, दिस ग्रोथ इज नॉट फ्रॉम विद इन, अंदर से नहीं होता। ओके, तो इसे क्या हम नॉन लिविंग थिंग इजीली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका सी में क्या हमने देखा था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ग्रोथ डेवलपमेंट होता है क्या होता है, अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होता, कुछ ही लिमिटेड टाइम स्पेन होता है इसका। ओके, देखिए हमारा जो बॉडी रहता है कब तक बड़ा होता है, 18 ईयर्स तक, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 24 ईयर्स तक जो बॉडी का साइज रहता है वो बढ़ता है, बट आफ्टर दैट क्या होता है, रुक जाता है, बट क्या डेवलपमेंट होता रहता है वो बॉडी के अंदर का। ओके, न्यू सेल आते हैं, जो ओल्ड सेल रहते हैं ऊपर से निकल जाते हैं। ओके, जो 10 सेल ऊपर से निकल जाते हैं, यहाँ पे हमने ये पढ़ा था। इसके बाद क्या, यहाँ पे नीचे हमने देखा था एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी, क्या धीरे धीरे टाइम बीतते जाता है तो हमारा बॉडी ओल्ड हो जाता है। ओके, इसके बाद हमने देखा था डी में क्या देखा था, जो लाइफ है उसे क्या कंटिन्यूस रखने के लिए अपने तरह सेम अपने आप का कॉपी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के थ्रू या असेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या बनाया जाता है। ओके, कोई भी ऑर्गेनिज्म द्वारा, बट यहाँ पे क्या दिखाया गया है, जो मोल होते हैं, स्टराइल वर्कर बीज होते, दे डज नॉट रिप्रोड्यूस एंड येट दे आर लिविंग, और तो भी अभी भी वो जी रहे, तो क्या एक जो इंक्लूसिव कैरेक्टर रिप्रोडक्शन को मान सकते हैं, यहाँ पे हमें ये पूछा गया था। ओके, देखिए अगर यहाँ पे विदाउट रिप्रोडक्शन और यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन के साथ है तो हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे इसे नो कहना पड़ेगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये विदाउट रिप्रोडक्शन के अपने आगे बढ़ रहे। ओके, येट दे आर लिविंग। यहाँ पे इसके बाद हमने देखा था
एज द बॉडी लॉसेज इज कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिक प्रोसेस इट डाई, तब जो बॉडी रहती है अगर वो मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं कर पा रही है तो क्या एट द एंड उसको मरना है. ओके, ड्यू टू द ऑल ऑर्गन्स आर लॉस, क्या होता है यहाँ पे, जो ऑर्गेनिज्म लॉस होता है उनकी पावर क्या होती है, लॉस होती है धीरे धीरे, क्या एजिंग की वजह से बूढ़े होने लगते हैं. ओके, यहाँ पे इसके बाद हमने देखा था क्या, यहाँ पे यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग क्या थी, थर्मल केमिकल बायोलॉजिकल चेंजेस को क्या करना, पता कर पाना. ओके, उसको सेंस कर पाना, उसके बाद उस पर रिएक्ट करना. ओके, और इस पैराग्राफ में आपको मैं इसका पूरा समरी बताता हूँ. इसमें क्या देखा था हमने, क्या एमिनेंट डाइवर्सिटी मतलब क्या, मोर 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 बहुत ज़्यादा ही क्या वैरायटी किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ओके, कहाँ पे, अर्थ पे. ओके, हमारे प्लेनेट अर्थ पे. इससे क्या हमें पता लगाना है कि इंटर रिलेशन बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग एज वेल एज किसका, लिविंग बींग का, लिविंग बींग के साथ. ओके, तो इसके लिए क्या सिस्टमेटिक स्टडी टू दिस एसेंशियल, तो इसके लिए क्या हमें सिस्टमेटिक स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है. इसके बाद क्या हमने देखा था, इंटेंसिव लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, इन सब की स्टडीज़ की जाती है इनको पहचानने के लिए क्या, और इन्हें सिस्टमेटिक वे में अरेंजमेंट किया जाता है. इससे क्या हमारा जो मीनिंगफुल एक वे है समझने का, किसकी वजह से, सिस्टमेटिक स्टेप्स की वजह से वो हो पाता है और ये सब डाटा वहाँ कलेक्ट करके रखा जाता है. ओके, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम उनके बारे में जान सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, टैक्सोनॉमिकल एड्स बोला जाता है. ओके, तब हमें पढ़ने के लिए क्या यूज़ करता है, टैक्सोनॉमिकल एड्स, दिस इंक्लूड द हर्बेरिया. ओके, ये सब जो हम आगे पढ़ने वाले वही सब है, सिंपल. यहाँ पे हमने कैन यू रिकॉल में क्या देखा था, हाउ कैन वी स्टडी, क्या किसके थ्रू बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को एक बार में पढ़ा जा सकता है, तो सिस्टमेटिक वे में हम टैक्सोनॉमिकल का यूज़ करके पढ़ सकते हैं. ओके, वेदर ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, नहीं. ओके, आंसर क्या होगा, नो होगा. बट प्लांट क्या करता है, अपना फूड खुद से बनाता है, बट अदर्स आर डिपेंड ऑन द अदर वन. इसके बाद क्या देखा था हमने, विच फीचर्स कैन कंसिडर इट एज ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. देखिए यहाँ पे मैंने बताया था जो कि क्या हमारा मेटाबॉलिज्म ज़रूरी है. ओके, एक इंक्लूसिव कैरेक्टर मान सकते हैं, और क्या एक मान सकते हैं, क्या रिस्पिरेशन. ओके, सांस लेना. इसके बाद क्या दिया था हमने, थिंक अबाउट इट, कैन मेटाबॉलिक रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेटेड इन ए टेस्ट ट्यूब, क्या अगर एक मेटाबॉलिक प्रोसेस कहाँ पे हो, एक टेस्ट ट्यूब में, तो हम क्या उसे लिविंग बोलेंगे, नॉन लिविंग बोलेंगे, यहाँ पे क्या होगा, क्या वो लिविंग रहेगा. देखिए जब इनविट्रो टेस्ट होगा उसका मतलब मेटाबॉलिक वहाँ पे रिएक्ट होगा उसका रिएक्शन मेटाबॉलिक का, तो जो लिविंग रिएक्शन रहेगा, बट क्या हम उसे बोलेंगे नॉन लिविंग. ओके, एंड इसके बाद क्या देखा था हमने, नाउ अ डेज पेशेंट्स आर डिक्लेयर्ड ब्रेन डेड, क्या ब्रेन डेड हो जाते हो, कॉन्शियस नहीं रहते हो, किसी भी चीज़ को रिएक्ट नहीं करते, तो क्या हम उन्हें लिविंग बींग या नॉन लिविंग बींग क्या बोलेंगे. अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको अभी एक पॉइंट बताया था, दैट इज़ रिस्पिरेशन. रिस्पिरेशन के ज़रिए क्या वहाँ पे रिस्पिरेट कर रहा है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं उसको, एक इंक्लूसिव कैरेक्टर जो भी है. ओके, क्या है, रिस्पिरेशन, इससे हम पता लगा सकते हैं. इसका देखा था हर्बेरियम. ओके, हर्बेरियम में क्या था, जो लुका जीनी प्रोफेसर थे उनके बारे में हमने यहाँ पे जाना भी था. ओके, उनकी पूरी हिस्ट्री देखी थी, क्या हुआ था, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और एक क्या एक इटालियन प्रोफेसर थे लुका जीनी, इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था, बोटानिकल गार्डन न्यूज़. ओके, और हर्बेरियम में क्या डिफरेंट वेराइटी ऑफ जो प्लांट है उनके लीव्स को क्या प्रिजर्व करना है, उनको प्रिजर्व करना. ओके, या फिर प्रेस्ड, देखिए यहाँ पे जो प्रेस्ड मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये डिफरेंट स्पेसिमेन ऑफ प्लांट रहते हैं सूखे हुए. ओके, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो ड्राइड वर्ड है इसे आपको याद रखना, ड्राइड, इन्हीं को क्या वो प्रिजर्व करते थे. ओके, कहाँ पे, किसी भी बड़े लेंथी शीट में, यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बुक दिखाया उसमें क्या है, जो रियल्स हैं. ओके, दे आर रियल, यहाँ पे इन्हें प्रिजर्व करके रखा हुआ. ओके, और यहाँ हमने इसमें क्या देखा था कि क्या डेट हो गया, प्लेस हो गया, क्या उसका जो कलेक्शन है कौन दे रहा है उसका यहाँ पे, और इसकी क्या कैरेक्टर, इसका लोकल नेम क्या है, बाद में इसका साइंटिफिक नेम क्या है, यहाँ पे पूरा लिखा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, लोअर राइट कॉर्नर में ये सब लेबल रहता है. ओके, इस शीट पर सब कुछ लिखा रहता है. ओके, इसके बाद हमने क्या देखा था, बोटानिकल गार्डन, जहाँ पर हमने क्या, ये जो ग्रेट बनियान ट्री है,
इन पे हमने देखा था, जैसे कि यहाँ पे क्या है बोटानिकल गार्डन का हमें इमेज दिया गया। ओके, यहाँ पे हमें क्या है ग्रेट बनियान ट्री के बारे में बताया गया है, क्या है ये 250 ईयर ओल्ड पेड़ है। ओके, 250 साल, इतना ज़्यादा पुराना मतलब क्या, यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे है, कोलकाता में, जो कि कितना पुराना है 255 ईयर ओल्ड बनियान ट्री यहाँ पे इसमें ये बताया जा रहा है। ओके, ये बोटानिकल गार्डन है जहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है ट्रीज को, प्लांट को। ओके, और इसके बाद हमने क्या देखा था, देखिए यहाँ पे हमारा ये होमवर्क भी था, आपको क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। ओके, ये सब जो पर्सन है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, ओके पटवर्धन है, डॉक्टर परवर्धन। और यहाँ पे इसके बाद क्या हमने देखा अभी, कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी, ओके डाइवर्सिटी को कैसे बचाना है, कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बिना अगर एक भी चेन यहाँ पे क्या लॉस ऑफ वन वेराइटी क्या कर सकता है, पूरे चेन को ख़राब कर सकता है। और जो बाकी का हमारा बचा हुआ है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, म्यूजियम से स्टार्ट करेंगे और जो पूरा चैप्टर है इसका हम एंड अप कर देंगे। ओके, तो स्टूडेंट मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा जो लेसन है इसको हम पूरा फिनिश कर देंगे। ओके, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, बिकॉज आप नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ओके, बेल आइकन ऑन करके रखना, और प्लीज़ कमेंट में करके, कमेंट करके बता देना मुझे कि अगर आपको इसमें कोई और डाउट्स है और किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से जानना है। ओके, तो हम जो पूरा टॉपिक है उसको क्लियर अप करेंगे नेक्स्ट लेसन में और इसे फिनिश कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।